बताइए क्या समस्या। शादी कर ली है सर हम लोगों ने कोर्ट में, कोर्ट मैरिज हुई है हमारी और हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। मर्जी से शादी करी है दोनों ने, अब हमें आगे कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए हम आज यहाँ कोटवा थाने में आए ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। जी आपका नाम? प्रीतम। किस लिए आए हो बताओ। हम वो सुरक्षा के लिए आए हो, फैमिली ऐसी है मेरी तो इसलिए, फिर दिक्कत विक्कत ना आ जाए इसलिए, उनको दिक्कत आएगी उनके परिवार को फिर इसलिए आए। तो आपने क्या शादी कर ली? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हो? मतलब हमें हमारे परिवार वाले परेशान ना करें और आराम से खुश रहना चाहते हैं, तो दिक्कत ना हो। आपका नाम? पिंकी। सर दो एक जोड़ा आपके कोलवा थाने पे सुरक्षा के लिए आया है, सर किस प्रकार की आप सुरक्षा मुहैया करा रहे हो? सर सुरक्षा तो सभी नागरिकों के लिए सदैव उपलब्ध रहती है और अभी इन्होंने कहा है कि हम अपने शादीशुदा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो कि अभी शादी इनकी रजिस्टर्ड तो है नहीं। इन्होंने एक एफिडेविट पर आपस में अपना मैरिज डीड लिखवा रखा है, जो अधिकृत शादी तो नहीं है लेकिन रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, थाना क्षेत्र में कहीं भी रह सकते हैं। वर्तमान में इस परिस्थिति में मैंने पूछा है कि पिंकी बैरवा और प्रीतम बैरवा अपने अपने थाना क्षेत्र में, इनकी कोई अभी गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज किसी ने नहीं करवाई है। मैंने रैणी थाना अलवर से वेरीफाई किया है कि वो आए थे लेकिन उन्होंने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराना उचित नहीं समझा है, तो इसमें अपने सुरक्षा के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगने देंगे जी। जितना हो सकेगा तो इनसे हम संपर्क में रहेंगे और कोई दिक्कत होगी तो हमें बता सकते हैं। थैंक यू सर।